छत्तीसगढ़ के सुकमा में आदिवासी महिलाओं ने बुधवार को नक्सल प्रभावित जिले में तैनात सीआरपीएफ जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। यहां रहने वालों ने हाल के सालों में इस इलाके में हुए विकास की सराहना की। अभी पहले से बहुत चेंज हो गया है। पहले इधर रोड भी नहीं था, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, ना कुछ प्रोग्राम बना पा रहे थे, स्कूल भी बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। अब रोड बन गया, स्कूल भी खुल गया, स्कूल बन गया, अब सब बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं और गांव वालों को भी थोड़ा अच्छा लगा। सब ठीक ठाक से है, अभी हो गया, पुलिया उलिया है, गाड़ी घोड़ा सब आना जाना, सब बड़े बड़े लोग भी आते हैं, हमेशा चांदा मेटा से बड़े बड़े लोग देखने आते हैं। बहुत अच्छा है जगह, बोल गए हम लोग को बोलना है ये है, और उन लोग हम लोग को बहुत अच्छा से करते हैं रक्षा, उसीलिए हम लोग नौजवान लोगों को आज रक्षाबंधन है बोल के पूरा गाँव वाले मिल के उन लोगों को राखी बांध दिए। सीआरपीएफ जवानों ने भी आदिवासी ग्रामीणों की पहल की सराहना की। हर रक्षाबंधन के दिन तो याद आती है बहन की, लेकिन यहाँ का माहौल देख के इतनी समूह वाली महिलाएं पूरे विलेजर्स की जो आए हैं साथ में, तो उन्होंने हमारी बहन की याद कम कर दी, पूरा फुलफिलमेंट कर दिया यहाँ पे। यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन लोगों के सहयोग के बगैर बहुत असंभव था, लेकिन इन लोगों का सहयोग रहा, इसलिए हम लोग इन लोगों को अपनी बहनें मान के और यहाँ पे डेवलपमेंट और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो स्कूल वगैरह बनाया हुआ है तो इनमें पढ़ें और आगे तरक्की करें। सीआरपीएफ जवान अपने परिवार से दूर हैं, रक्षाबंधन गांव वालों की पहल से उन्हें अपने परिवार से नज़दीकी महसूस हुई।